गाइस आप लोगों के मैं सुपर ट्रेंडी कोरियन रेसिपी आज दिखाने वाली हूँ। तो ये पोटैटोस ना, ये नया वाला आलू है, मार्केट में आ चुका है। तो अभी मुझे ये धुलाना है, तो मुझे ना दो तीन ले लेती हूँ मैं, चार। तो या लोग देख सकता है, तो इतना ठंडा है ना, उसको नीचे यूज करना पड़ेगा पानी टच करने के लिए भी। इट्स लाइक वेरी चैलेंजिंग। तो या अभी ना इसको अच्छे से सफा करके धोना पड़ेगा, उसके बाद। तो ये ना सफ करके हो गया, तो ये वाला मैं ना थे बॉइल करने के लिए अभी मैं इस गैस पे लगा दिया है। तो अभी आई नीड टू अप्लाई सम सॉल्ट। तो या लेट्स जस्ट वेट फॉर 20 मिनट, जब तक ये हो जाएगा तो उसके बाद अपना असली इंग्रेडिएंट बनेगा। तो या गाइस देखते रहो आप लोग। हे गाइस, तो अभी ना जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो आलू बॉईल किया था ये ना भून के मतलब हो गया है। तो यहाँ पर ना ये एक कप मैदा डालेगा यहाँ पर। तो या आप लोगों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये भून के हो गया। तो अभी ना ये स्प्रिंग अनियन एंड ऑल यहाँ पर मिक्स करके मैं सोया सॉस डालूंगी यहाँ पर, और मैंने तेल भी गरम करके रख दिया, तो वो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो देखते रहो आप लोग। और जी धनिया, ये रहा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। आप लोगों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। A few minutes later. Guys, तो आप लोगों को ना अच्छे से भूनने के बाद ऐसे करके रखना पड़ेगा, और मैंने फिर से पानी गर्म कर लिया क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा भून भी करना पड़ेगा तभी बन जाएगा। और ये अचार ना मैंने ट्रेड फेयर, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में हो रहा था, वही से लेके आया। तो यहाँ से मैं थोड़ा स्पाइस के लिए थोड़ा तेल मिक्स कर देती हूँ यहाँ में, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये अचार ना कोरियन थ्री एग्स का जो नूडल्स है ना, उसका चटनी जैसा वो थोड़ा सा फ्लेवर देता है। तो या हल्का सा टेप करना है, मैंने ज़्यादा जोर से टेप कर दिया। तो या चलो चलो चलो, ज़्यादा भी आप लोग पका सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अभी मैं ना उसको गैस को बंद कर देती हूँ और
हाँ इस तो आप लोगों को ना अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेना पड़ेगा। तो तैयार होने के बाद थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इट सीम्स टू यम्मी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। तो या गाइस, आप लोगों को मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ मेरा रेसिपी, कोरियन रेसिपी कैसे बना हुआ है। सो या दिस इज़ अ प्लेन, आप लोगों को चॉपस्टिक लेके, अगर आप लोग चॉपस्टिक यूज़ करें तो इसको, और हाई राम आप लोगों को दिखा गिर गया। काफ़ी अच्छा बना है। तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।